ये देखिए, ये गर्मी में ये गिलहरी कैसे पेड़ पर रिलैक्स कर रही है। आई थिंक आपको ये दिख रहा होगा, ये रिलैक्स कर रही है, बिल्कुल मस्त लेटी हुई है। गुड मॉर्निंग गाइस, आज है 16 अप्रैल और देखिए सुबह सुबह कितना मस्त मौसम हो रखा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। हे गाइस, तो सुबह की स्टार्ट होती है कॉफी से, तो एक चम्मच कॉफी और ये एक मिनी हैंड ब्लेंडर है जो कि नॉट स्पॉन्सर्ड एक्चुअली, जस्ट एंड कॉफी स्टोर करने के बाद जब थोड़ा सा गाज हो जाए, देखिए ये काफी अच्छा गाज बन गया है इसमें, तो दिस विल पोर मिल्क एंड इट्स डन। तो कॉफी इज रेडी। तो सुबह से मैं आप लोगों से बात भी नहीं कर पाई, अभी यहाँ पे शाम के 5 बज गए। आज मैं अपने बेबी का वीडियो भी शेयर करूंगी, वो क्या करता है लॉकडाउन में। सिंस सबको आजकल पता है कि कोरोना वायरस के वजह से अपने गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है, काफी सारी एरिया सील हो रखी हैं। सो हम लोग के घर में बच्चे क्या करेंगे, कितने बोर हो रहे हैं, उनके क्या एक्टिविटीज लाएं। हम लोग तो मम्मी लोग जो हैं वो सारे दिन भर यही सोचते हैं कि बच्चों को इंगेज किस तरह करें। बच्चे जो हैं आजकल इंगेज नहीं हो पाते तो कुछ ज्यादा ही चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर उन्हें मजा नहीं आता और फिर हर चीजों पे जिद करते हैं और ठीक से मतलब रिस्पॉन्स नहीं देते। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम लोग बच्चों को किन किन एक्टिविटीज़ में इंगेज कर सकें। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपने बेबी को किस तरह इंगेज कर रही हूँ। आजकल उसका लॉकडाउन इफेक्ट जो है ना वो बहुत ही तगड़ा वाला है, उसने पता नहीं क्या क्या ऑब्जर्व किया हुआ है घर में, वो सारी चीज़ें अब आजकल कॉपी करना शुरू कर दिया है हम लोगों का कि हम लोग क्या करते हैं कैसे करते हैं। तो अभी मैं अपने बालकनी में हूँ, शाम को आराम से रिलैक्स कर रही हूँ एंड मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग से बात भी करते हैं। सिंस मैंने लॉकडाउन में अपने वीडियो शुरू किए हैं तो मेरे पास अभी सारे इक्विपमेंट्स नहीं हैं, तो आई एम रियली सॉरी कि वीडियो थोड़ा बहुत अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा। मेरे पास अभी ट्राईपॉड वगैरह भी नहीं है, कैमरा नहीं है और मैं इस फील्ड में भी न्यू हूँ, तो मैं अभी थोड़ा सा टेक्निकल फील्ड वाली चीज़ें भी सीख रही हूँ, कैसे एडिटिंग करें या म्यूजिक्स वगैरह। सो आई एम रियली सॉरी, बट धीरे धीरे मैं अपने वीडियोस वगैरह इम्प्रूव करूंगी और सारा अच्छा करने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को ज़रूर मेरे आगे के वीडियोस बहुत पसंद आने वाली। गाइस, मैं सोच रही थी कि अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है और हम लोग को मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोग अपने बच्चों को फुल टाइम कैसे इंगेज करें, बच्चे भी सेम रिपीटेड चीज़ें करके बोर हो जाते हैं। तो मैं तो कुछ कुछ चीज़ें ट्राई कर रही हूँ लेकिन मेरे पास भी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है क्योंकि लॉकडाउन है और अचानक से ही लॉकडाउन हो गया। हम लोग को पता ही नहीं था कि लॉकडाउन होगा, मतलब एक्चुअली किसी को ही नहीं पता था। तो मैं क्या करती हूँ, एक इंटरेस्टिंग चीज़ करते हैं कि मैं अपने चैनल पे मेरा जो जीमेल आईडी है मैं शेयर करती हूँ एंड आप लोग जो भी देख रहे हैं वीडियोस, आप भी अपने बच्चों की एक्टिविटीज़ आप कैसे इंगेज कर रहे हैं और कैसे आपके बच्चे एक्टिविटीज़ नए नए ढूंढ रहे हैं, नए गेम्स निकाल रहे हैं जबकि उनके पास इतने सारे टॉयज़ नहीं हैं और वो कैसे अपने घर में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, आप ज़रूर मुझे एक छोटा सा वीडियो शेयर करिएगा, 1 मिनट और 1 मिनट से कम का, फ्यू सेकेंड्स का भी चलेगा। मैं अपने चैनल पर ज़रूर उसे पोस्ट करूँगी और दिखाने की कोशिश करूँगी दिखाने की, एंड आई एम रियली श्योर कि मैं सबके दिखाऊंगी, किसी ना किसी दिन जरूर दिखाऊंगी, सबके वीडियोस दिखाऊंगी एंड मैं और वीडियोस भी लाऊंगी अपने बेबी के कि मैं उसका कैसा रूटीन है, मैं क्या उसका कर रही हूँ एंड कैसे उसकी एक्टिविटीज प्लान करती हूँ, मैं जरूर अपने चैनल पे ले आऊंगी। दिस इज आयांश, ये मेरा बेटा है और देखिए लॉकडाउन के इफेक्ट से ये क्या काम कर रहा है, ये रोटी बनाने की कोशिश कर रहा है।
ये भी सोच रहा है कि कुछ लॉकडाउन में नया सीखते हैं। बोलो हाय हाय। सो अयांश के हाथ की रोटी किसको खानी है? आज तो लग रहा है रोटी बन ही जाएगी, तो जिसे जिसे खानी हो वो प्लीज कमेंट करके बताएं। इसने आई थिंक पूरा ही ऑब्जर्व किया हुआ है कि कैसे बनता है, और ये स्टार्ट है पूरा। लग रहा है फ्यूचर मास्टर शेफ यही बनेगा। मैंने 2-3 स्पून इसमें ऑयल डाला है और उतना ही कॉर्न डाला जितने में वो सारा कोट हो जाए। अब मैं इसे ढक देती हूँ, जैसे नॉर्मल पॉपकॉर्न बनता है जस्ट वैसे वैसे ही बनाना है। पॉपकॉर्न बन गया है कि आप देख सकते हैं अभी बन रहा है, एंड बस ये सारा पॉपकॉर्न बन के रेडी है और हमने इसे से थाली में निकाल लिया है। ये मस्त पूरा सारा फूटा है और मस्त बना है। अब इसे हम लोग कैरमल फ्लेवर में करेंगे। पॉपकॉर्न को कैरमल फ्लेवर में करने के लिए एक कढ़ाई में हम लोग गैस ऑन करेंगे। मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ, मुझे वो ज़्यादा सेफ लगता है। तो हम लोग शुगर डालेंगे, जितना आपको पॉपकॉर्न करना हो, जितना मीठा आपको पसंद हो उसके हिसाब से डालिए। जितना मैंने पॉपकॉर्न बनाया उसके लिए दिस इज एनफ, बिकॉज हम लोग थोड़ा सा कम कैरमलाइज खा। तो हम लोग ये शुगर जो डाले थे, अब ये हम लोग मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसको लगातार स्टर करते हुए इसको कैरमलाइज करेंगे। एंड जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाए तो फिर हम लोग लो फ्लेम पे कर लेंगे इसे, अदरवाइज शुगर बहुत तेजी से जल जाता है। जब तक ये नहीं मेल्ट हो रहा है तब तक हम लोग ऐसे करेंगे, और इसको गोल्डन कलर तक होने तक इसको बस कैरमलाइज करना है, उससे ज़्यादा डार्क नहीं करना है। अदरवाइज फिर ये इसका थोड़ा सा बर्न वाला फ्लेवर आने लगेगा, जला जला टाइप लगने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए गाइस, अब ये थोड़ा थोड़ा सा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है, हल्का हल्का सा ब्राउन कलर आना शुरू हो रहा है इसका। इस स्टेज पे अब हम लोग फ्लेम धीमे कर देंगे। कि हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हम लोग का ये जो शुगर है वो जल जाए और कैरमल में बर्न फ्लेवर आए। देखिए कितनी तेजी से मेल्ट हो रहा है ये, बस इसका थोड़ा गोल्डन कलर आना ही लगा है। बस जब तक ये पूरा मेल्ट ना हो जाए तब तक करते रहना है और लगातार स्टोर करते रहना ताकि इक्वली जल्दी से एक समान पूरा हो जाए। अब देखिए गाइस, ये बिल्कुल ही गोल्डन टाइप कलर इसका आ गया है, समस सा गोल्डन सा कलर आ गया है और ये ऑलमोस्ट कैरमलाइज हो गया है। अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, सिंस कि हम लोग को जो कैरमल का फ्लेवर है ना, हम लोग को काफ़ी पसंद है, बट उसमें बहुत ज़्यादा मिठास होती है, तो हम इसमें हल्का सा सॉल्ट भी ऐड करते हैं ताकि जो फ्लेवर है ना मिठास है वो बैलेंस हो जाए। अब सॉल्ट मिक्स करने के बाद हम लोग हल्का सा बटर डालेंगे इसमें, इससे बड़ा ही यमी टाइप का टेस्टी फ्लेवर आता है, इसको और भी ज़्यादा डिलीशियस बना। बस बटर मेल्ट होने के तक बस इसको पकाना है, उसके बाद गैस ऑफ कर लेना है, और गैस ऑफ होने के बाद एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालना है इसको, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी, बहुत ज़्यादा यमी बनेगा। उससे टेस्ट में तो कुछ एनहांस नहीं होता, लेकिन इसका जो क्रंचीनेस होता है वो बढ़ जाता है। तो देखिए अब बटर मेरा हो गया है, तो मैं ये बंद कर दी अपना गैस, ये हो गया। एंड जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं डालती हूँ उसमें
वो है एक पिंच सोडा, कुकिंग सोडा जिसको हम लोग बोलते हैं। जस्ट देखो इसको मिक्स करने से कैसा ये फ्लफी टाइप का आ रहा है। अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए और ये काफी फ्लफी टाइप का हो जाएगा और लाइट हो जाएगा। देखिए कितना लाइट और फ्लफी हो गया है। अब हम लोग इसमें पॉपकॉर्न मिक्स करेंगे। देखिए बस उसमें अब हम लोग डाल के मिक्स करेंगे सारा और जल्दी जल्दी दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये बहुत जल्दी सारा फ्रीज हो जाता है इसलिए हम लोग जल्दी से बस निकाल लेंगे इसको मिक्स करके। देखिए कैरमल पॉपकॉर्न बन के तैयार है और इसे थोड़ा सा बस ठंडा होने दीजिए, उसके बाद ये सारे अलग अपने आप हो जाएंगे। अभी ये थोड़े से चिपक गए हैं और नीचे के काफ़ी ज़्यादा कैरमलाइज हैं, ऊपर के थोड़े से कम हैं। ये बस जैसे ही थोड़े से ठंडे हो जाएंगे फिर सारे अलग हो जाएंगे आराम से और खूब क्रंची बने हैं, बहुत ही यमी बने हैं। सो गाइज अब मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ एंड होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और मैं जल्द ही एक नए और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ ज़रूर आपको दिखूंगी। ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर, स्टे होम स्टे सेफ।